बिजनेस वैल्यूएशन, फर्स्ट मॉड्यूल इज व्हाट, बिजनेस वैल्यूएशन। अब बेटा बिजनेस वैल्यूएशन मीनिंग क्या है? अरे बच्चा क्या मीनिंग है बिजनेस वैल्यूएशन का? बिजनेस वैल्यूएशन इज व्हाट, सिंपल, अ बिजनेस वैल्यूएशन इज अ व्हाट, इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड, व्हाट बेटा, एग्जामिनेशन कंडक्टेड टुवर्ड्स रेंडरिंग एन एस्टिमेट, रेंडरिंग एन एस्टिमेट और ओपिनियन एज टू द फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। आप पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन कर रहे हो ना बेटा, तो बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एग्जामिनेशन तो करना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, बराबर है। सो एग्जामिनेशन कंडक्टेड टुवर्ड्स रेंडरिंग एन एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट होगा इसका, वैल्यूएशन क्या होगा इस बिजनेस का, वैल्यू क्या होगा, वो एस्टिमेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, एक ओपिनियन दोगे आप, बराबर है। एज टू द फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्या है, क्या उसकी फेयर वैल्यू है, कैसा उसका मार्केट वैल्यू है, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे आप वैल्यूएशन निकालते हो, बिजनेस वैल्यूएशन निकालोगे, एसेट्स लायबिलिटीज, ये तो कॉमन चीज है उसमें, बराबर है, एसेट्स लायबिलिटीज का कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज कॉमन, बराबर है। उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितना गुडविल है, उसके बेसिस पे उसका वैल्यूएशन होता है यार, समझे कि नहीं। सो बिजनेस वैल्यूएशन इज इन व्हाट, एग्जामिनेशन कंडक्टेड टुवर्ड्स रेंडरिंग एन एस्टिमेट, आप एक एस्टिमेट रेंडर करोगे और ओपिनियन एज टू द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका वैल्यू भी ज्यादा रहेगा, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट में उसका बिजनेस वैल्यूएशन भी ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। अभी जो फंडामेंटल रोल है ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन का, द फंडामेंटल रोल ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन इज टू व्हाट, ऑफर अ बेस फॉर नेगोशिएशन, व्हाट इट ऑफर, व्हाट अ बेस, इट ऑफर अ बेस फॉर नेगोशिएशन, व्हाट बेटा, इट ऑफर अ बेस फॉर नेगोशिएशन बिटवीन व्हाट बेटा, बायर एंड सेलर, बिटवीन buyer and seller, and there are various user of valuation of an enterprise, or there are various users, there are what beta, various users of valuation of an enterprise, example jaise diya aapko, kya users mein kon kon hai, shareholders hai, company, ye sab kya beta, stakeholders hai, you know that, shareholders ho gaye, company itself, financial experts, buyers of property and business, banks, government, ye sab। बेटा देखो जो फंडामेंटल रोल है बिजनेस वैल्यूएशन का वो क्या होता है, ये ऑफर करता है बेस फॉर नेगोशिएशन, ये बेस देता है नेगोशिएशन करने का, एक बेस है बिटवीन whom, बिटवीन बायर एंड सेलर, बिटवीन बायर एंड सेलर, एंड देयर आर वेरियस यूजर्स, एंड देयर आर वेरियस यूजर्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एंटरप्राइज, और उसके बहुत सारे यूजर्स है, देयर आर वेरियस यूजर्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एंटरप्राइज, एग्जाम्पल वॉट, शेयर होल्डर्स है, कंपनी खुद इटसेल्फ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, बायर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, जो बायर्स होंगे उनको भी चाहिए ना वैल्यूएशन का, यूजफुल है ना बेटा, यूजफुलनेस तो रहेगा ही, बैंक्स को, गवर्नमेंट को, एवरीवन, राइट। सो याद रखने का बेटा, दिस इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल रोल क्या बेटा, द फंडामेंटल रोल ऑफ वैल्यूएशन इज टू वॉट, ऑफर अ बेस फॉर नेगोशिएशन, इट ऑफर वॉट, बेस फॉर नेगोशिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर, करेक्ट है। और बिजनेस वैल्यूएशन होगा, बराबर है, और इसका जो फंडामेंटल रोल ही है कि ये एक बेस देगा आपको, बिजनेस वैल्यूएशन होगा तभी तो आपको एक बेस मिलेगा फॉर नेगोशिएशन के लिए, बराबर है कि नहीं। मालूम पड़ा, 50 लाख का बिजनेस वैल्यूएशन है तभी तो आप नेगोशिएशन कर सकते हो, अरे भाई 50 लाख है चलो हम नेगोशिएशन करते, चलो 45 में कर लो, 50 जो भी है, 50 से कम में कर लो, वॉट एवर नेगोशिएशन, बराबर है। नेगोशिएशन तो बायर और सेलर के बीच में ही होगा ना यार, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, बिजनेस वैल्यूएशन क्या बेटा, इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, रेंडरिंग एन एस्टिमेट, एग्जामिनेशन कंडक्टेड टुवर्ड्स रेंडरिंग एन एस्टिमेट और ओपिनियन एज टू द फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, एज टू द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, क्लियर। मालूम पड़ गया बिजनेस वैल्यूएशन का मीनिंग क्या हो गया, बिजनेस वैल्यूएशन इज एन व्हाट, examination conducted towards rendering an estimate or opinion as to the fair value of business, fair value of business to chahiye beta aapko, aur jo fundamental role hai valuation ka wo kya hai, ye offer karta hai base for negotiation, ye offer kya karta hai, ek base offer karega for negotiation between buyer and seller, theek hai, malum pada।
तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, बिजनेस वैल्यूएशन क्लियर है, नॉर्मल मीनिंग है, और बिजनेस वैल्यूएशन से ही आपको एक क्या मिलेगा, बेस फॉर नेगोशिएशन मिलने वाला है. इट ऑफर्स व्हाट, अ बेस फॉर नेगोशिएशन मींस फंडामेंटल रोल ऑफ वैल्यूएशन दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन इज टू ऑफर व्हाट, अ बेस फॉर नेगोशिएशन बिटवीन होम बायर एंड सेलर. मालूम पड़ गया ना, शॉर्ट एंड स्वीट समरी क्या, बिजनेस वैल्यूएशन इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड. ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है टुवर्ड्स रेंडरिंग एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट देगा, एक ओपिनियन देगा एज टू द फेयर वैल्यू क्या होगा बिजनेस का, क्योंकि उसी के बेस पे आप नेगोशिएशन कर सकते हो, उसी के बेस पे आप नेगोशिएशन कर सकते हो. मींस ये जो वैल्यूएशन है बिजनेस वैल्यूएशन, वो ऑफर करेगा बेस फॉर नेगोशिएशन, याद रखना, समझा, इट ऑफर्स बेस फॉर नेगोशिएशन. ठीक है, चलो अब आपको जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें याद रखना, मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन. क्या बेटा, व्हाट इज गिवन, मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन, याद रखना, एमसीक्यूज के लिए, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा. सी, फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट, असेट बेस्ड अप्रोच, सेकंड वन अर्निंग बेस्ड अप्रोच, थर्ड वन अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस, एंड लास्ट वन अदर अप्रोच. ठीक है, तो याद रखना ये चार्ट सब लोग माइंड में फिक्स रखना, बराबर है. सबसे पहला अप्रोच कौन सा बेटा, मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, या वैल्यूएशन मींस व्हाट, सेम बिजनेस वैल्यूएशन. सो मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन में द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, असेट बेस्ड अप्रोच. ओके, सेकेंड अर्निंग बेस्ड, थर्ड अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस, एंड फाइनली अदर अप्रोचेस. तो फर्स्ट वन असेट बेस्ड अप्रोच में क्या बोल रहा है, इसमें असेट बेस्ड अप्रोच तो कॉमन है ना बेटा, नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे. किसके बेसिस पे, नेट असेट वैल्यू, और नेट असेट वैल्यू पता ही आपको, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. सो नेट असेट वैल्यू इज अराइव्ड बाय व्हाट, एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स लेस लायबिलिटी. ये तो कॉमन है, नेट असेट वैल्यू, असेट्स माइनस लायबिलिटीज करो, नेट असेट मिलेगा, उसके बेसिस पे आप वैल्यूएशन करते हो, दैट इज व्हाट असेट बेस्ड अप्रोच. क्लियर, असेट बेस्ड अप्रोच नेट असेट वैल्यू के बेस पे. नेट असेट वैल्यू कैसे आया आपका, असेट्स माइनस जो लायबिलिटीज है आउटसाइड लायबिलिटीज वो माइनस करा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलता है, नेट असेट, बराबर है. तो असेट बेस्ड अप्रोच में मेन क्या आपका, नेट असेट वैल्यू. अर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होगा, व्हाट विल बी इन दिस अर्निंग बेस्ड अप्रोच. अब बेटा अर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है, रेफरिंग टू अर्निंग पोटेंशियल एंड यूजिंग कैपिटलाइजेशन रेट्स. क्या अर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है बेटा, रेफरिंग टू अर्निंग पोटेंशियल एंड यूजिंग कैपिटलाइजेशन रेट्स. क्लियर, मालूम पड़ा, क्या बोलो, अर्निंग बेस्ड में क्या होगा, कितना अर्निंग पोटेंशियल है, रेफरिंग टू अर्निंग पोटेंशियल एंड यूजिंग व्हाट, कैपिटलाइजेशन रेट. और कैपिटलाइजेशन रेट्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, तो अर्निंग पोटेंशियल कितना है उसके बेसिस पे क्या कैपिटलाइजेशन रेट्स है, यूजिंग कैपिटलाइजेशन रेट्स वो यूज करके आप वैल्यूएशन करते हो, बराबर है, जो कि आगे पढ़ोगे आप डिटेल में. तो असेट बेस्ड में नेट असेट वैल्यू, अर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या, रेफरिंग टू अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल क्या है, एंड यूजिंग व्हाट, कैपिटलाइजेशन रेट, बराबर है. फिर कैपिटलाइजेशन रेट्स आएगा आगे आपको. फिर अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस, थर्ड वन इज व्हाट, अर्निंग मेजर ऑन व्हाट बेटा, कैश फ्लो बेसिस. अब अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस मतलब क्या, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो कितना होगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा भाई, कितना फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा आपके पास, बराबर है, एंड डिस्काउंट रेट्स. ठीक है, तो मतलब ये क्या है बेटा, अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस मतलब क्या, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, और फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा उसके लिए एस्टिमेशन तो करना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है. ठीक है, तो अर्निंग मेजर, अर्निंग मेजर याद रखना, अर्निंग मेजर ऑन व्हाट बेटा, कैश फ्लो बेसिस भी एक अप्रोच है वैल्यूएशन का. अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, कितना फ्यूचर कैश फ्लो अपने को मिल सकता है बिजनेस से, बराबर है, मालूम पड़ा.
अब वो जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसको क्या करते हो आप, डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो ना, पिछले सब में लास्ट सेम में किया ना, ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लो है इतना, फ्यूचर का कैश फ्लो 10,000 है, तो करंट में कितना होगा, तो डिस्काउंटिंग रेट यूज करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, और वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप वैल्यूएशन फिक्स कर सकते हो कि ये वैल्यूएशन अभी के लिए होगा, बराबर है। तो वो भी एक अप्रोचेस है आपका, अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस, याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है, मेथड अप्रोचेस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। आपको चार ऑप्शंस रहेंगे, एक रॉन्ग ऑप्शंस रहेगा, बाकी तीन करेक्ट, तो हो सकता है उसमें दिया रहे विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ अप्रोचेस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, तो तीन करेक्ट आंसर रहेगा, एक अलग आंसर रहेगा, तो आपको तीन करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है, और एक जो रॉन्ग आंसर रहेगा उस पर टिक मार्क कर दो, खत्म। फिर क्या बोल रहा है, अदर अप्रोचेस। अब अदर अप्रोचेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका भी अलग से आपको सेक्शन है। अदर अप्रोचेस में क्या है, MVA मार्केट वैल्यू एडेड, और EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या बेटा, MVA एंड EVA मार्केट वैल्यू एडेड के बेसिस पे वैल्यूएशन होगा, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बेसिस पे वैल्यूएशन होगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ व्हाट, बिजनेस वैल्यूएशन, समझा, बोलो क्या। फर्स्ट असेट बेस्ड अप्रोच, जिसमें नेट असेट वैल्यू, याद रखना। सेकेंड वन इज व्हाट, अर्निंग बेस्ड अप्रोच, जिसमें अर्निंग पोटेंशियल अपना मेन है। थर्ड वन इज व्हाट, अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस, क्या अर्निंग मेजर ऑन व्हाट, कैश फ्लो बेसिस, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, बराबर है, बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो एंड डिस्काउंट रेट्स। एंड फाइनली अदर अप्रोचेस में देखा आपने, अदर अप्रोचेस मतलब MVA एंड EVA, क्लियर। तो ये सारे अप्रोचेस है जो आपको याद रखने हैं, बराबर है, असेट बेस्ड अप्रोच, अर्निंग बेस्ड अप्रोच, अर्निंग मेजर ऑन कैश फ्लो बेसिस एंड अदर। नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यू ऑल नो दैट व्हाट इज गुडविल, गुडविल मतलब अच्छा नाम, रेप्यूटेशन, गुडविल इज व्हाट, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, उसका मनी वैल्यू होता है, गुडविल इज व्हाट, इट्स अ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, और गुडविल तो इनटेंजिबल है, सबको पता है, गुडविल इज व्हाट, इनटेंजिबल इन नेचर, सो इट इज एन इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट, व्हाट इज इट, इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स हैविंग अ रियलाइजेबल वैल्यू, बराबर है, इट इज एन इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट, ये इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट है जिसका रियलाइजेबल वैल्यू भी है बेटा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स जिसको देख छू नहीं सकते आप, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, बट रियलाइजेबल वैल्यू है, और गुडविल पूरा रेपुटेशन के ऊपर ही डिपेंड है, बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप बोलोगे सर रेपुटेशन में प्रॉफिट आएगा, यस बिजनेस के टर्म्स में तो प्रॉफिट ही आएगा ना, प्रॉफिट हो रहा है मतलब अच्छा कमा रहा है, मतलब बिजनेस का नाम है, अच्छा सेलिंग हो रहा है तभी तो बिजनेस कमा रहा है, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल भी अच्छा होगा, बराबर है कि नहीं। तो रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, इससे देखो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप प्रॉफिट ही कंसिडर करते हो ना, कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा है तो गुडविल ऑटोमेटिकली ज्यादा है, तो बिजनेस हो रहा है अच्छा, उसका बिजनेस हो रहा है क्योंकि कस्टमर बिलीव कर रहे हैं उसके ऊपर, पब्लिक बिलीव कर रही है, तभी तो उसका सामान, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, समझे कि नहीं। तो गुडविल इज व्हाट, इट्स अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, इट इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स हैविंग अ रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू तो होना ही है। सो गुडविल में टाइप्स सबको पता है बेटा, जनरली दो टाइप्स का गुडविल है, एक परचेस्ड है और एक नॉन परचेस्ड है। बेटा परचेज गुडविल मतलब क्या, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, बराबर है, उसका अच्छा नाम है मार्केट में, तो आप उसको गुडविल देते हो कि नहीं, गुडविल का अमाउंट पे करते हो ना। अब आपने उसको, उसका अच्छा नाम है, उसका बिजनेस खरीद लिया, तो उसका बिजनेस खरीदते टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ा। अगर उसके बिजनेस की वैल्यू 50,000 है लेकिन आपने 80,000 पेमेंट किया, तो 30,000 आपने एक्स्ट्रा क्यों दिया, क्योंकि वो बिजनेस का गुडविल है मार्केट में, इसने दिया ना, बराबर है, तो 30,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया, ड्यू टू गुडविल। अब वो बिजनेस आपके पास आ गया, मतलब आपको गुडविल मिल गया, तो परचेस गुडविल हो गया, बराबर है, आपने उसका बिजनेस खरीद लिया क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा है मार्केट में, अच्छा नाम है, रेपुटेशन बना था, अब उसका आपने बिजनेस परचेस कर लिया, तो आपके पास आ गया ना गुडविल, अब वो आपका बिजनेस हो गया ना।
तो दैट इज व्हाट परचेज गुडविल. एक होता है परचेज गुडविल जो आप खरीद सकते हो बराबर है सामने वाले पार्टी को पेमेंट करके, और एक होता है बेटा खुद की मेहनत से बनाया हुआ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, जिसको बोलते हैं नॉन परचेज्ड और इनहेरेंट गुडविल. समझे? तो बेटा जो सेकंड वन है दैट इज व्हाट नॉन परचेज्ड और इनहेरेंट गुडविल. अब बच्चा लोग नॉन परचेज और इनहेरेंट गुडविल मतलब समझ गया ना, उसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है. नॉन परचेज और इनहेरेंट गुडविल मतलब क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. बराबर है क्या बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब आपने बड़ी मेहनत की, खूब मेहनत करके अपना नाम बनाया, मेहनत करके सब कुछ किया, तो आपने गुडविल क्रिएट किया है. दैट इज व्हाट नोन एज क्या बोलते बच्चा उसको? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, क्लियर है? गुडविल में देखा ना दो टाइप्स, परचेस्ड और सेल्फ जनरेटेड. याद रखना परचेस्ड, सेल्फ जनरेटेड मतलब नॉन परचेज, सेल्फ जनरेटेड मीन्स व्हाट? नॉन परचेज गुडविल. आ जाओ फॉर्मूला देखो. फॉर्मूला, अब फॉर्मूले में देखो आपको पता है सिंपल एवरेज. देखो गुडविल पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? प्रॉफिट के ऊपर. अब आप सबको पता है कि एवरेज कैसे निकाल दो, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मतलब जितने भी टोटल प्रॉफिट है फॉर द ईयर्स, डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ ईयर से, खत्म. बराबर है, वही हो गया आपका नॉन मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हो? अरे कोई भी गुडविल कैलकुलेट करना होगा तो पहले तो बेसिस आप एवरेज प्रॉफिट ही निकालोगे. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. है कि नहीं बेटा? टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. है कि नहीं? तो वो सिंपल एवरेज है. क्या है बेटा वो? अब बेटा सबसे मेन है इसमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP. FMP इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? इट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, मींस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. क्या बेटा? व्हाट इज इट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यार, व्हिच इज लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर आउट ऑफ यूजुअल ट्रेडिंग ऑपरेशन. जो नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन है उससे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में. बराबर है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज व्हाट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. ठीक है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा. और होता क्या है? इट इज एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज लाइकली टू बी अर्न्ड इन फ्यूचर आउट ऑफ यूजुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट. दैट्स इट. या जो भी यूजुअल ट्रेडिंग ऑपरेशंस है उससे कितना प्रॉफिट आप अर्न करते हो. सो इट इज एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर आउट ऑफ यूजुअल ट्रेडिंग ऑपरेशंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. दैट्स इट. ठीक है, और हमेशा याद रखने का, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ये जो है बेटा वो कैसे डिसाइड होता है? इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 या 5 years या 10 years, व्हाटएवर. 3 years, 4 years, 5 years तो एग्जाम्पल है बस. इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, 5 years, 6 years आफ्टर एडजस्टिंग व्हाट? आफ्टर एडजस्टिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज मतलब अगर कुछ एक्सपेंसेस होगा, लॉसेस होगा, तो एक्सपेंसेस लॉसेस को माइनस करोगे, इनकम और गेन्स होगे तो एड करोगे, लाइक दैट. ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल आइटम्स जो रहेगा उसको एडजस्ट करना पड़ता है. एबनॉर्मल आइटम मतलब क्या? कुछ एबनॉर्मल लॉसेस है, एबनॉर्मल होगा तो ऐड करोगे. लॉस एबनॉर्मल है तो ऐड, और इनकम एबनॉर्मल होगा तो माइनस. बट नॉर्मल इनकम होगा तो प्लस, और नॉर्मल एक्सपेंस होगा तो माइनस. याद रखो एबनॉर्मल और नॉर्मल में डिफरेंस याद रखना. ठीक है, अगर एबनॉर्मल आइटम है तो वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल आइटम में लॉसेस को क्या करना है आपको? प्लस, और गेन्स को माइनस करना. ठीक है, जो कि आप पहले भी देख चुके हो. ठीक है, मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा